अच्छा लग रहा है इस ब्लाउज को पहनने के बाद, तो आप लोग भी एक बार जरूर से ट्राई कीजिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये पतिदेव यहाँ पे आ गए हैं। और गाइस, मैंने देखो ये वाला ब्लाउज वेयर किया हुआ है आज, कल लाइव में बताया गया था मेन चैनल पे वही वाला। और ये पतिदेव आगे पीछे मंडरा रहे हैं मेरे। बहुत दिन से लोग बोल रहे थे ना ब्लॉग में नहीं आ रहे हो, ब्लॉग में नहीं आ रहे हो, क्या बात है सर ब्लॉग में आइए, तो लो भाई आ गया आज ब्लॉग में। और स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था यार, जिसकी वजह से नहीं आ रहा था। और बना तो अपने हिसाब से, मैं ज़्यादा नहीं आऊँगा ब्लॉग में ऐसे सोच रहा हूँ, बाकी मैं चाहता हूँ कि ये खुद से बनाए पूरी चीज़ें, और मैं आ जाता हूँ तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो देखो गाइस, मैंने ये वाला ब्लाउज वेयर किया है, गले से आवाज कर रहा है, मैंने ये वाला ब्लाउज वेयर किया। नहीं, मेरा भी गला खराब हो गया, सर्दी खांसी हो गया ना मुझे भी, जब से फन सिटी से आई हूँ ना तब से मेरे को सर्दी खांसी हो गई है, पता नहीं। अब मेरे को फन सिटी से आने के एक हफ्ते बाद, 10-15 दिन बाद हो रहा है, बाद में असर दिखा, मेरे को तुरंत असर दिखा दिया पानी। तो गाइस देखिए, ये है कॉलर वाला, रहने मैं बता रहा हूँ, ये एक कॉलर बटन का ब्लाउज है, ये देख सकते हो, जिसको मैंने जैसे कि कहा हमारे मेन चैनल पे आप सभी ऑडियंस के साथ मैंने ये प्रॉमिस किया था कि जितने भी हमारे ब्लाउज डिजाइन बनेंगे या सूट के डिजाइन बनेंगे, ईच एंड एवरीथिंग सबका रिव्यू यहाँ पर ये करेगी। ये देखिए, ये है एक कॉलर पैटर्न का ब्लाउज जिसमें नेट मैं लगा हुआ है। ना क्या रिव्यू करेगी, गले सवाल तो ये ऐसे करते रहती है, और रिव्यू करूंगी क्या रिव्यू करेगी तू। तो देखो गाइस, मैंने ये वाला ब्लाउज वेयर किया हुआ है जो कल लाइव में बताया गया था, आधा अधूरा, वो आज पूरा बन के तैयार हो गया और मैंने पहन भी लिया। देखो आधा अधूरा का मतलब, अरे भैया जितना बताने की चीजें जरूरत रहती है उसको बताते हैं यार हम लोग, ऐसा नहीं है। अब बार बार मैं ये हुक पट्टी लगाओ या ही पट्टी लगाओ, इसको ऐसे करो उसको वैसे करो, ऐसा मजा नहीं आता ना, क्या वही वही चीजों को बार बार। जो हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, जिसको जो जानना रहता है वो वहीं तक देखता है, उसके बाद बाकी चीजों को नहीं देखता, समझी। देखो गाइस, यहाँ पे हाफ हाफ स्लीव में नेट लगा दिया गया है, दोनों स्लीव में, स्लीव फुल है, नेट थोड़ा सा लगा है, हाफ हाफ नेट बोली ना, हाफ हाफ नेट बोली है क्या? और गले में ये हाफ नेट लगा हुआ है गले में भी, और ये कॉलर पैटर्न है, और साइड में जीप लगा दिया गया चैन, ये देखो। तो पहनने में थोड़ा अंग्रेजी मत बोले करना भगवान, जीप क्या जीप है यार, चैन बोलेगा, चैन लगाया गया है साइड में, आगे पीछे कुछ हुक बटन। फिटिंग रिलेटेड इसमें कोई भी इशू मुझे नजर नहीं आया कि फिटिंग रिलेटेड कोई भी इशू है इसमें, बहुत परफेक्ट फिटिंग आई है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें ना सामने हुक है ना पीछे हुक है, दोनों तरफ से पैक है, केवल साइड चैन ब्लाउज है, तो इसको ना आपको हल्का सा लूज छोड़ना पड़ेगा, चाहे चेस्ट हो चाहे कमर हो, हल्का सा लूज छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पहनने में दिक्कत हो जाएगा, एकदम ज्यादा टाइट रखेंगे ना, इसका प्राण निकल गया था पहनते पहनते, इतना मेरे को चिल्ला रही थी तो। लेकिन डिजाइन को डिजाइन की तरह ही बनाना पड़ता है, डिजाइन बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। वैसे ना मैं ब्लाउज की बहुत ज्यादा लालची, मुझे खाना दो ना दो, लेकिन ब्लाउज एक से खाने की लालची नहीं है तू, खाने की लालची नहीं रहेगी, नहीं सब चीज की लालची है, ब्लाउज की लालची मैं, इतना मेरे को परेशान कर दी थी, थोड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए ना, क्या बना देते हो, क्या है कैसा है करके। लेकिन जब पहनी और पहनने के बाद इतना खुश हो गई, बोलती चलो वीडियो बनाएंगे, और पहन रही थी ना तो मेरे को इतना चिल्लाई, इतना चिल्लाई, ये क्या ब्लाउज, मेरा दिमाग खराब हो गया था सच में, घुसाने में इतना दिक्कत हो रहा था, साइड जिप से ऐसे ऊपर से डालो फिर साइड जिप की, जो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी अकेले पहनने में। तो गाइज, ये वाला ब्लाउज कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक जरूर से कर देना, करना ही पड़ेगा आप लोगों को लाइक, और दुआ करना कि हमारा जो गला खराब हुआ है वो जल्दी से ठीक हो जाए सर्दी की वजह से। आप लोग लाइक करोगे ना तभी मेरे लिए एक से बढ़कर एक ब्लाउज बनेगा, नहीं तो लाइक करते जाओ, फटाफट से लाइक करते जाओ, लाइक करो, कमेंट्स करो, है ना, तभी मजा आता है। एंगेजमेंट हमारे वीडियो पे बहुत कम आते हैं, जिसकी वजह से उतने ज्यादा हम लोग को ब्लॉग वगैरह बनाने की इच्छा नहीं होती है, तो आप लोग प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें जो लोग भी देख रहे हैं। गाइस देखिए, मैंने ये वाला झुमका उस दिन फैंसी स्टोर गई थी ना तो खरीद कर लाई थी, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैंने दो तीन और झुमके खरीदे हैं, उसको दिखाऊंगी करके सोच रही थी बट भूल गई, अब मैं ब्लॉग में एक एक दिन पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को, पता चल जाएगा, ठीक है। हमारी बाबू जो है वो कुरियर वाले भैया को देख के डर जाती है ना, बाबू तेरे को ले जाएंगे उस बैग में पैक करके जाएगी, जाना कुरियर कर देती हूँ तेरे को बॉम्बे, सुप्रिया जी के घर में रहना जा। अभी ना ब्लॉग बनाने का उतना मन नहीं करता है क्योंकि मैं अकेले पड़ जाती हूँ, और रिया के पापा जो हैं वो उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है अभी सर्दी खांसी की वजह से, तो वो ज़्यादातर ब्लॉग में आना नहीं चाहते हैं और अपने कामों में ही व्यस्त हो जाते हैं इस वजह से। तो बताना ज़रूर कि अभी का ब्लॉग कैसा बन रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को। गाइस देखिए, हमारी कल की गुड्डे गुड़े वाली शादी वाली वीडियो आ गई है, कमेंट नहीं किए होगे तो कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर से कर देना। और आज तनु तमन्ना लोग घर जा रहे हैं, देखो तीनों बच्चे रेडी हो गए हैं। बाय गाइस बोलो, बाय 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 बाय। अब सीधे हम लोग कवर्धा में मिलेंगे, ठीक है, शादी में।
चलो, और इधर मम्मी भी जा रही है छोड़ने, और इसके पापा भी जा रहे हैं, रिया के पापा, और रिया भी जा रही है, रिया भी छोड़ने जा रही है। बाय करो दीदी लोग को, बाय दीदी, बाय दीदी। बाबू तू भी जा रही है क्या दीदी लोग को छोड़ने? अब तू किसके साथ खेलेगी? दीदी लोग घर चले जाएंगे तो तू किसके साथ खेलेगी? झलमला में। बाय बच्चे लोग, बाय बाय, और आना तू भी, और आना बाबू, आओ का दादी लोग को छोड़ने नहीं जा रही है। हाय गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं घर। आप लोग को हम लोग बहुत मिस करेंगे, आप लोग का कमेंट लाइक वाइक हर चीज को पढ़ते रहते हैं, दिन भर क्या आया है कमेंट। अब आप लोग के कमेंट को हम लोग बहुत ही ज्यादा मिस करेंगे। और ये है बाबू, बाबू हम लोग को छोड़ने जा रही है। आप लोग का कमेंट आप लोग को बहुत मिस करूंगी। जब मैं बेमेतराम थी तो वीडियो में आते थे हम लोग और कमेंट्स वमेंट्स पढ़ते थे। अब हम लोग झलमला आ गए हैं तो अब हमारा वीडियो नहीं आएगा यूट्यूब में। अभी हम लोग पहुँच गए घर, और गाइस देखो ये हमारा घर है और ये हमारा दुकान। क्या पी रहे हो? क्या पी रहे बेटा? जूस। जूस पी रहे? क्या जूस पी रहे? छोटी सी गिलास में। मम्मी कब ले लेना? तो कौन है क्या? ये हाँ यहाँ पर पुश हो जाती है इसलिए मना देखते हो। 3 hours later। और गाइस 2 दिन से हमारे घर में कपड़ा नहीं धुला था। कल तो गुड्डे गुड़े की शादी थी तो छोटी भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी तो वो कपड़ा नहीं धो पाई थी। और आज कभी तो देखो पीछे कितना सारा कपड़ा धुल के सुखाया है, सुखा दिया गया है, अभी तो सुखा नहीं है। तो चलिए फिर टेरिस में जाते हैं। ये जो है ये 2nd floor है, यहाँ से भी बड़ा मस्त नज़ारा दिखता है इधर का। वैसे तो मैं ज़्यादा आती नहीं हूँ छत में क्योंकि उतना ज़्यादा काम नहीं रहता हम लोगों का छत में, इसलिए आना नहीं होता है। अभी आई हूँ शाम टाइम टहलने। इधर देखो बैट के नीचे जिमी का अंदर रख दिया गया है, भागवत के टाइम पे बहुत सारा ले लिए थे। और इसके पापा जो है रिया के पापा, वो ज़्यादा खाने का मन नहीं करते तो मैं ना थोड़ा सा उसको सुखा दी थी, खोइला जिसको बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में स्पेशली। वो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस, कच्चा से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है खोइला वाला सब्जी जिमी का अंदर का। इधर भी है देखो बेड पे पूरा सामान रखा, एक्स्ट्रा जितने भी चादर वगैरह रहते हैं ना बेड से वगैरह वो ऊपर में ही ला के रख दिया गया है। चलिए इधर को बंद कर देती हूँ, अब बाहर जाते हैं टेरिस पे। ये देखिए गाइस पूरा का पूरा हमारा ये एरिया है, हमारा मोहल्ला है। बहुत अच्छा लगता है इस मोहल्ले में, शांति लगती है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, सब लोग काम से काम रहते हैं। ये पूरा सीन है देखो। मैं तो पता नहीं पिछले 1 महीने से आई ही नहीं हूँ ऊपर, 1 साल से नहीं हूँ, आ भी नहीं क्या ऊपर। हम लोग ना ज़्यादा आते नहीं हैं ऊपर, कोनो मेहमान आते तो दिखा बरा था बस, और मेहमान भी नहीं हिम्मत नहीं आवन। सेकंड बस में आते हैं फिर नीचे चले जाते हैं। आज एकदम सूना सूना लगा, आज बहुत ज़्यादा सूना लग रहा है गाइस। तनुका मन्ना दादी लोग घर चले गए, बहुत सूना सूना लग रहा है, लगेगा अभी 1-2 दिन उन लोग को भी लगेगा, हम लोगों को भी लगेगा, कैसे करेंगे अब, रहना तो है ही अकेले। कोई मेहमान अगर आके चला जाए तो कितना सूना लगता है, ये जो घर में रहते हैं ना उन लोग जानते हैं, जाने वालों को नहीं लगता है, जो घर में रह जाते हैं ना उन लोग को ज़्यादा लगता है। और इन लोग सब लोग चले गए थे, मैं और पापा बस बच गए थे तो और इतना बुरा लग रहा था, एकदम सूना सूना दिन भर। 1 hour later। तो अभी आ गए हम लोग नीचे और टाइम हो रहा है अभी 7 बज रहे हैं। तो चलिए फिर दिया बत्ती करते हैं, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये बच्ची जो है वो अभी तक सो के नहीं उठी है, रिया बाबू। बाबू देखो गाइस अभी सो के उठ रही है 7:30 बजे शाम के, अब ये नहीं सोने वाली, रात को 12-1 बजे सोएगी। अब इधर मम्मी कलिंदर काट रही है सबके नाश्ते पानी के लिए। खाओ बाबू, चलो कलिंदर। हमारी बाबू कैसे खाती है गाइस लोगों को बता दो बाबू एक बार। सो के पेंटिंग करते हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। मोहनी खावा के गोरी जिए धड़काए रे, आगु पीछे घुमाओ तो रे रहा नहीं जाए रे, वही बना के तो देखने कैसे न छाड़ रे।
माया के भाका लगावत हमें आ जाना रे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।